कार में भी नहीं आप स्मोक स्मोक कर कर सकते, सकते। यानी इतनी डेंजरस है स्मोकिंग। उन्होंने रियलाइज किया है कि दिस इज रियली डजन अफेक्ट अस, क्योंकि हम स्मोक कर रहे हैं। ऑल्सो जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो एटमोसफियर है, वो भी सारा इफेक्ट होता है। डिस्टर्ब, हाँ तो बिल्कुल, इस सब लोग ये जानते हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक नहीं है, स्मोकिंग इज़ बैड, पर क्योंकि ये एक बीमारी है, इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। मगर ये तो इसका मतलब है, ये तो लाखों लोग पीते हैं, तो क्या ये लाखों लोग बीमार हैं? जी, ये अच्छा क्योंकि एडिक्शन बीमारी है, हाँ, एडिक्शन इटसेल्फ स्मोकिंग इज बीमारी नहीं इलनेस। है, एडिक्शन बीमारी है। जी, क्यों, इन अ वे ये हमें हेल्प मेरा करता है कि इट गिव्स अस डिफरेंट प्लेजर्स। चलिए, मेरे ख्याल एक कॉल ले लेते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहे हैं या कह रही हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। मुझे अब शुगर है अबाउट 25 साल से। मैं जी स्मोकिंग भी करता था, जी अबाउट 30 to 40 सिगरेट्स अ डे। तो ओ अच्छा, 30 to 40 सिगरेट्स। 8 साल हो गए मुझे स्टॉप किए हुए। अच्छा ये बताइए कैसे किया आपने स्टॉप? मैंने बस कहा कि ये जो पैकेट है मैंने खत्म करना है, हाँ, इसके बाद मैंने नहीं खरीदना। अच्छा कौन सी तो चीज़ थी मैंने जो जिसने कन्विंस आपको किया कि नहीं मैंने तो ये अब छोड़ छोड़ देनी दी। है? हाँ, वो ये बात थी कि मेरी दुकान थी न्यूज एजेंट की, अच्छा तो वहां से सिगरेट उठाए, पी लिए। तो जब मैं रिटायर हुआ ना, तो जी मुझे खरीदने पड़े। समझ अच्छा, आई? जेब से जी, पैसे निकालने पड़े। तो अच्छा, अभी जब रिटायर हो जाते हो तो आपको इतनी आमदनी होती ना, नेचुरली नेचुरली, जी तो जी मैंने सोचा कि ये तो सब सिगरेट में चले जाएंगे जो मेरी पेंशन है। आपने ये तो बहुत जबरदस्त सोचा। हाँ, और लेकिन इसका मतलब है कन्वीनियंस की वजह से आप ले रहे थे, ये जो है आपको तो मतलब रेडिली हाँ, अवेलेबल थी तो इसलिए आप उसको ले रहे थे, हैं स्मोक कर रहे थे यानी। अच्छा बस मैंने कहा कि ये मैंने खत्म करनी है, इसके अच्छा बाद मैंने नहीं खरीदनी। अच्छा वेरी गुड। तो यहाँ एक प्रोग्राम भी हुआ था, उन्होंने भी सिगरेट स्मोकिंग के बारे में बताया था, तो जी अच्छा, उन्होंने रिकमेंड किया ये पैचेस वगैरह ये वो, तो जी लेकिन मैंने वो इस्तेमाल नहीं की है। तो अच्छा, जो आपकी इसका मतलब स्ट्रांग विल थी, आपकी स्ट्रांग जी विल थी जो आपने इसने छोड़ी, हाँ लेकिन क्या आपको कुछ हाँ विदड्रॉल लेकिन सिम्टम्स हुए? बात ये है कि ये जल्दी खत्म नहीं होती, अच्छा इसकी जो क्रेविंग है ना, ये 4 साल 4.5 साल तक मुझे रही। ओह अच्छा यस, अच्छा दिल करना कि हाँ एक पी लूँ, लेकिन मैंने कंट्रोल रखा कि अगर मैंने एक पिया बस फिर तो गए, फिर मैं वापस स्टार्ट कर दूंगा। वेरी गुड, चलिए नहीं हुई नहीं, भाई। विल पावर अब थी हाँ बहुत। यस yes. साल हो चुके हैं लेकिन अच्छा मैंने नहीं पिया। चलिए, वेरी पॉजिटिव स्टोरी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस। और एक और कॉलर हम ले लेते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बात कर लूं? जी जी कीजिए कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ये जो अगर आपने जो एक्सरसाइज बताई थी, अगर आप प्लीज दोबारा इसको रिपीट कर दें तो, क्योंकि मुझे खुद जोड़ों की तकलीफ है, मैं खुद ये एक्सरसाइज करना चाहती हूँ प्लीज। ये जो अभी एक्सरसाइज जिम में आपने आपने देखी थी? जिम में जो आपने जी, लिखाई थी, मेरा ख्याल है हम किसी अगले प्रोग्राम में ना इसको हम रिपीट कर देंगे, ठीक है? कई बार जो प्रोग्राम मिस हो जाते हैं प्लीज। जी, इसका भी रिपीट भी वैसे आप आता है, आप देखिए जरा चेक कीजिए, और आप जो है उसके बाद हम, मेरा ख्याल यही करेंगे कि इसको हम किसी बारी जो है रिपीट कर देंगे। आप इसको लिख भी सकते हैं, ईमेल हमें कर दीजिए अपने जो आपकी है ये जो भी आपने ये फरमाइश की है, तो आप प्लीज़ हम इसको लिखें तो हम आपको इसको इस पूरे जो सेगमेंट जो था उसको रिपीट कर देंगे, ठीक है? चलिए, मेरा ख्याल है वो चली गई चली हैं गई जी, है। हाँ जी, लेकिन वो जी एक और कॉल है। हेलो, हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वो मैंने पहले भी एक दफा आपको फोन किया था, मुझे सर्दी बहुत लगता है, जी, तो वो मैं ठीक हो गया था। अभी सिगरेट सिगरेट का आपने बोला, तो सिगरेट मैंने कैसे छोड़ा है? सिगरेट मैं वैसे शौकिया पीता था, अच्छा कोई नशा नहीं था, मुझे शौकिया पीता था। तो मैं एक दफा बैठा पी रहा, तो गैस फेयर होता है ना, बताना आपको, अच्छा,
कि नजदीक मेरा स्टे रखा हुआ था, मैं फेंका, मेरा बच्चा था छोटा, उसने उठा लिया, बच्चा ने उठा लिया, तो मैंने सोचा उस दिन से मैंने छोड़ दिया फिर। ओ अच्छा, तो ये आपका जो एक किस्म का ये आपको बहुत अच्छी एक रीजन मिला, बिल्कुल हाँ। अच्छा तो ये देखें, आपने भी इस तरह यानी उसी दिन छोड़ दिया, उसके बाद आपने दोबारा नहीं लिए? नहीं पिया, नहीं पिया, मैं वैसे अच्छा। शौकिया पीता, मुझे आदत नहीं था, शौकिया पीता था। अच्छा अच्छा, तो कितनी आप एक दिन में ले लेते थे सिगरेट्स? मैं कोई एक पी लिया या हफ्ते में एक पी लिया, दो पी अच्छा लिया, ये तो हाँ, ये तो खैर शौकिया, आपने सही शौकिया कहा ना, मैंने कहा शायद दो। अच्छा लेकिन आपको हमने फोन करने की कोशिश की थी, अगर आपने बताया ना कि आपने हमें पहले भी किया था जिनको सर्दी लग रही थी, आपको हमने फोन भी किया था लेकिन आपने फोन नहीं उठाया था। हमारी जो है अच्छा। हाँ, जो हमारी जो टीम थी उसमें से आपको मेरे सामने उन्होंने दो बारी फोन किया था नंबर देने के लिए डॉक्टर तारा चन्ना का, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया था। लेकिन दोबारा आपको बताऊं, मैं ठीक हो गया था तो मेरा अल्ट्रासाउंड भी कराया, ब्लड टेस्ट भी कराया, सब कुछ कराया, बोलते हैं नॉर्मल है तुम्हारे। मुझे अच्छा। थायराइड का प्रॉब्लम था, बोलते हैं वो भी नॉर्मल है, एक टैबलेट लेता जो 100 माइक्रोग्राम वाला। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी जी राइट, वो जो पहले कॉलर थे वो जिन्होंने रिटायरमेंट तक वेट किया, मेरा ख्याल एक और कॉलर हैं, हम पहले कॉल्स ले ही लेते हैं। आज लगता है आप वो गुड़ की डली समझ रही है आपको ये मक्खी जो है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैंने इससे पहले आपके वो लेटर का सुना था जिसमें आपके सिगरेट नोशी और वो फैमिली जी जी उसी पे हम बात कर रहे हैं सैयद साहब। ये एक चीज बहुत अहम है जी, जिसको हमारे कल्चर में खास तौर से बहुत ही अंडरमाइन किया जाता है, वो ये है कि एक यूं समझ लीजिए कि जैसे छोटा बच्चा जिस वक्त रोता है या परेशान करता है अपनी माँ को, तो माँ गिव अप नहीं करती उसके मसले को। हाँ। सिर्फ इस वजह से कि वो एक बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन प्यार मोहब्बत से उसको हल कर लेती है। बिल्कुल यही उसूल उन लोगों पे भी अप्लाई होता है जो अपनी कमजोरियों, जिनकी विल पावर शायद इतनी मजबूत नहीं है या जो भी और वजूहत है, उसके बिना पर वो इन सिर्फ चीजों का शिकार होते हैं। तो इतनी चीज है कि उनकी जो वाइफ है वो इससे लामाला परेशान होंगी कि इसका असर उनकी हेल्थ के ऊपर क्या पड़ रहा है। तो पहली चीज तो मैं यही कहूंगा कि गिव अप नहीं करें बिल्कुल, बल्कि जितना ज्यादा से ज्यादा इस चीज को प्यार मोहब्बत से उनसे डील कर सकती हैं वो डील करें। दूसरी चीज ये कि बहुत सारी लामाला मेडिकली अप्रूव्ड चीजें हैं कि जिससे हेल्प मिल सकती है, जिसमें हिप्नोटिज्म भी एक चीज होती है। अच्छा। और तीसरी चीज जो है वो मैं एक्सट्रीम पे नहीं जाने कहूंगा, मैंने यहीं पर सुना था कि किसी बीवी ने अपने शौहर से ये बात कही थी कि या तो तुम इन सब चीजों को छोड़ दो या मैं तुमको छोड़ देती हूँ। ये जो नफ्सियाती पहलू होता है ये बड़ा पावरफुल इंसान की नफ्सियात पे असर करता है, और ऐसे इंसान जिनके बारे में कहा जाता है कि वो खुद कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, जब उनके ऊपर इस किस्म का थोड़ा पड़ता है प्रेशर पड़ता है अच्छा। तो फिर उनकी आंखें खुल जाती हैं। अब ये बीवी को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, क्या वो इस तरह के प्रेशर। मैं तो आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूँ ना जहाँ तक पॉसिबल हो सकते हैं। पांचवी चीज है, अगर ये मुस्लिम फैमिली है तो मैं इनसे जरूर ये बात कहूंगा कि वो जितने भी रूहानियत के पहलू हैं उनको उजागर करें, उनसे पूरा फायदा उठाएं, अल्लाह ताला इसमें बहुत मदद करते हैं। थैंक यू सो मच सैयद साहब फॉर योर सजेशन। मेरा एक और कॉल रात कर, पता नहीं आज बहुत ये स्मोकिंग पे भी काफी आ रही है। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो जी गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? चाहेंगे, मैं बात करना चाहता था, ये सिगरेट पे बात हो रही, मैंने चाहेंगे ही कहा था। जी जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिगरेट है ना, सिगरेट छोड़ने के लिए इंसान के अंदर विल पावर होनी चाहिए जी। तो आदमी सिगरेट छोड़ सकता है, ये बैड हैबिट ही है, बुरी आदत है, और ये नशा नहीं है कि सिगरेट पीना नशा है कोई। अच्छा हाँ, तो मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो ट्राई करें कि उसमें अंदर अपने अंदर विल पावर लाए। अच्छा थैंक यू सो मच जी। मैंने सिगरेट बहुत पिया, मैंने सिगरेट बहुत पिया था जी, तो छोड़ने के लिए मुझे 11 साल हो गए, मैंने छोड़े को एक मिनट में छोड़ दी थी। क्या किस बात पे छोड़ी आपने, किस क्या सोच के छोड़ी? मैंने जी क्या सोच के आपने एकदम छोड़ी, अब ये बताइए। मैंने इसलिए देख कर वो छोड़ी, सोच कर छोड़ी है कि दिमाग में ये बात आया कि बैठा बैठा था कि सिगरेट मैंने एक डब्बी ली थी, उसमें सोचा कि यार एक सिगरेट नहीं इसमें पीना, कौन सा सिगरेट है वो मुझे नहीं पता, बस
एंड पे मैं एक मार्केट पे गया, वो तो गोरे ने पूछा कि आपके पास सिगरेट लाइटर है जी। मैंने तो सिगरेट लाइटर भी उसको दिया और जब सोचा सिगरेट एक ही थी, दिमाग में आता कि मैंने वादा किया था कि एक सिगरेट मैंने नहीं पीना, मैंने सिगरेट भी दे दी और वो लाइटर भी दे दिया। तो उस दिन के बाद आज तक मैंने नेवर टच डन। अच्छा, और आपको कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं हुए? नो, कुछ नहीं हुआ। मैंने जिंदगी में इतनी सिगरेट पी है, इतनी में 30 साल सिगरेट पी, 32 साल सिगरेट पिया, 20 भी पीता था, 10 भी पीता, 15 भी पीता था, लेकिन दो सिगरेट पिया, हुक्का भी पिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिगरेट छोड़ने के लिए अपने अंदर एक पावर होनी चाहिए, एक बुरा काम है ना, उस बुरे काम को छोड़ने के लिए तो हाफ ही मिनट लगता है बस। अच्छा, वही अगर आपकी नियत है छोड़ने की जैसे आप कह रही हैं तो वही फिर वही छोड़ सकते हैं। एक और मेरे ख्याल कॉलर है तो ये लास्ट मेरे ख्याल कॉल लेते हैं जी। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। यास्मीन, मैं मकसूद बोल रहा हूँ, वुलवरहैम्पटन से। जी मकसूद साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा, ये टॉपिक चल रहा था आपका सिगरेट छोड़ने का। जी जी। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि सिगरेट छोड़ना मैंने कान कदवाए, वो बनावटी सिगरेट पिए। अच्छा। सिगरेट को खत्म नहीं कर सका। अच्छा। रहा पीता रहा मैं, 20-25-30 सिगरेट रोज पी जाता था। हाँ जी। और 5 पाउंड की डब्बी हो गई थी सिगरेटों की। हम्म। लेकिन हुआ यह कि इत्तेफाक की बात है, मैं एक दिन सुबह मैं जल्दी जाता था काम पे, सुबह 4 बजे। अच्छा। मैं 10 बजे वापस आया, घर में बैठा तो मैं कुर्सी पे भी सो गया। हाँ। और सिगरेट का डब्बी और लाइटर वो टेबल पर रख के मैं सो गया। हाँ जी। और आश्ते भी टेबल पर पड़ी थी, तो इतनी देर में मेरी पोती आई, वो 10 माह की थी। अच्छा। उसने आके वो डब्बी भी उठाई, लाइटर भी उठाया, वो आश्ते ज्योति आश्ते में। हाँ। वो भी